नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि आपको लिखा हुआ दिख रहा है कि इफ़ यू क्वाइट वंस इट बिकम्स अ हैबिट, सो सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है और कि वो कभी भी, मतलब अगर कभी भी उनके पास असफलताएं आती हैं तो वो उसे निराश ना हो, क्योंकि अगर आप अभी छोड़ देंगे तो कल को आपको इसके चीज़ के लिए पछताना पड़ेगा। तो यू नेवर बी हैव क्वाइट, ओके। सो इस मोटिवेशन के साथ मैं आपको आज क्या जो स्पेशल जो क्लासेस स्टार्ट हो रही है नायब तहसीलदार प्री एच एस प्री के लिए, और साथ में ही जितने भी हमीरपुर एच पी ट्रिपल एस सी के लिए एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बिना टाइम गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस सेशन के अंतर्गत मैं आपसे कुछ जो अभी लेटेस्ट करंट अफेयर्स चल रही हैं वो डिस्कस करूँगा, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो हमारे पास में करंट अफेयर्स के लिए पहला जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि मतलब अभी पीछे एशियन ट्रॉफीज हुई थी, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो साउथ कोरिया वो एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी जीत चुकी है, ठीक है। इन्होंने फाइनल मैच में, ठीक है, इंडियन वुमेंस हॉकी टीम को हराया है, ठीक है, और 0-1 से, ठीक है। एशियन वुमेंस चैम्पियनशिप हुई है जो साउथ कोरिया जो है उन्होंने ये जो टाइटल जीता है ये थर्ड टाइम जीता है आफ्टर 2001। उसके बाद 2011 में जीता था और ये अब 2018 में जीता है। और जो भारत की वंदना कतारिया है उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। नेक्स्ट कि इंडिया ने टेस्ट फायर करी है अपनी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि जो ब्रह्मोस है वो कैसी मिसाइल है, कैसी मतलब मिसाइल है, तो ये क्या है, हमारी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ओके। तो यही न्यूज़ है कि इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर कर लिया अपनी इंडिया रशिया मतलब रूस के साथ मिलकर बनाई गई है ब्रह्मोस, ठीक है, जॉइंट वेंचर है ये। और ये कहाँ से मतलब इसको सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया, ये उड़ीसा से किया गया है। और ट्रायल जो था, ठीक है, उसके बाद एक मेन पॉइंट ये है कि इसको जो बनाया गया वो DRDO की सहायता से बनाया गया है। DRDO होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और यही इसके अंदर सबसे मेन पॉइंट्स है। तो आपने याद रखना है कि जो ये ब्रह्मोस है ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और ये रसिया के सहायता से बनाई गई है। नेक्स्ट ये है कि सीरिया ने वापस फुल कंट्रोल पा लिया अपने कैपिटल में 7 साल के बाद, ठीक है। तो आपने मेरे को बताना है कि सीरिया की कैपिटल क्या है। वैसे जो ये यहाँ पर आपको जो कंसेप्ट दिया हुआ है इसके अंदर इसकी कैपिटल बताई गई है, तो यहाँ पे आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीरिया की कैपिटल है डमास्कस, ठीक है। और ये क्या हुआ था, इस पर इस्लामिक स्टेट्स है जो IS हैं, इस्लामिक स्टेट्स मिलिटेंट्स, उन्होंने क्या किया था, इसके ऊपर कब्जा कर लिया था। तो 7 साल बाद क्या सीरिया गवर्नमेंट ने वापस से अपने कैपिटल डमास्कस पे क्या कर लिया, उसने वापस उसको रिगेन कर लिया है, ओके। नेक्स्ट है कि जो हमारा न्यूयॉर्क की स्टॉक एक्सचेंज है, जैसे भारत में होती है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होगी, ओके, ऐसे ही न्यूयॉर्क की जो स्टॉक एक्सचेंज है उसको बोलते हैं न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज NYSE। उन्होंने क्या किया, प्रमोट करी है, वहाँ की लेडी है स्टेसी कुनिंगम, ठीक है, उनको प्रेजिडेंट बनाया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे पूछ सकते हैं कि हु इज़ न्यूली अपॉइंटेड फर्स्ट वुमेन चीफ ऑफ न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। तो ये, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए कि पिछले 226 सालों की हिस्ट्री में कोई भी वुमेन वहाँ की प्रेजिडेंट नहीं बनी थी, तो ये पहली सोल वुमेन हेड है, ठीक है। तो इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके। अभी ये एक पीछे सर्वे हुआ था इंडिया का, उसके अंदर पता लगा है कि आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सबसे करप्ट जो गवर्नमेंट है, ठीक है, सबसे करप्ट जो स्टेट है वो कौन सा है भारत में। तो इसके अंतर्गत जो आया था वो तमिलनाडु तेलंगाना, ये सबसे करप्ट स्टेट आए हैं पूरे इंडिया में। अब ये क्या होता है, ये करप्ट स्टेट्स किस हिसाब से बनाते हैं कि कई बार क्या होता है जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं वो क्या करते हैं, ब्राइब यानी कि रिश्वत लेते हैं किसी भी काम को करवाने में, ठीक है। तो उस चीज़ में मतलब करप्शन काफ़ी ज़्यादा है इन स्टेट्स में। तो इसमें जो रैंकिंग आई है उसमें तमिलनाडु और तेलंगाना मोस्ट करप्ट स्टेट बने हैं, ओके। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि आपसे पूछ सकते हैं कि हु बिकम्स द मलेशियाज़ फर्स्ट सिख मिनिस्टर, मतलब मलेशिया का पहला सिख मिनिस्टर कौन है। मलेशिया की कैपिटल क्या है, कुआलालंपुर है, ठीक है, और इसकी करेंसी भी आपको पता होनी चाहिए, रिंगिट है। और तो गोविंद सिंह देव को क्या किया गया है, बनाया गया है फर्स्ट मेंबर ऑफ मलेशिया की सिख माइनॉरिटी का, ठीक है। ये 45 ईयर के हैं, ठीक है, और ये हैं किसके बेटे हैं, ये हैं लेट मलेशियन लॉयर एंड पॉलिटिशियन करपाल सिंह के बेटे हैं जो पुचोंग कॉन्स्टिट्यूंसी को बिलोंग करते थे। नेक्स्ट जो न्यूज़ कि जो हमारा 25 से 30 मई तक अभी हमारा एशियन इंडियन फिल्म फेस्टिवल होने जा रहा है दिल्ली में, ठीक है, तो ये इंडिया होस्ट कर रहा है,
जो मतलब इसके अंदर जो इनाग्रेट करेंगे वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग स्पोर्ट्स विद मिनिस्टर, जो हमारे क्या नाम है उनका, कल्याण राज्यवर्धन सिंह ने इनाग्रेट किया, ठीक है। और ये श्री फोर्ट ऑडिटोरियम से 25 मई को, और जो इसकी मतलब टैगलाइन है, इस एशियन समिट जो हुआ इंडियन फिल्म फेस्टिवल, इसकी टैगलाइन आपने याद रखनी है, इसका नाम है फ्रेंडशिप थ्रू फिल्म्स। नेक्स्ट आपके पास ये इंपॉर्टेंट पॉइंट करंट अफेयर में क्वेश्चन है कि कैबिनेट ने भी क्या किया, सेटअप कर रहा है कंट्री की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। तो वो पूछ सकते हैं कि आपसे कि हमारे देश की जो पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी आ रही है वो कहाँ आ रही है, तो ये आ रही है हमारी मणिपुर में। आपको पॉइंट क्लियर होगा, और इसमें ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। मेन ये पॉइंट रखना है कि कंट्री की फर्स्ट नेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी कहाँ पर आ रही है, मणिपुर में आ रही है। अब राजस्थान ने लॉन्च किया एक निदान सॉफ्टवेयर, जो क्या करेगा, कोई भी अगर डिसीज़ है, स्पेशल डिसीज़ होते हैं कुछ, उनको ये मॉनिटर करेगा, ठीक है, कंट्रोल करेगा, ठीक है। इसके अंदर जो है इन्होंने टोटल 46 डिसीज़ रखे हैं। जैसे आपको पता है कि अभी पिछले 2-3 दिन से काफ़ी ज़्यादा एक निपा वायरस फैला हुआ है केरल में, जो कि बैट यानी कि चमगादड़ के या फिर सुअर उनसे मतलब फैलता है। जैसे उनके मतलब अगर कोई पेड़ वगैरह अगर उन्होंने मतलब जूठा कर दिया फल, या उसके अटैचमेंट, या फिर और ये आदमी से आदमी ही फैल रहा है, तो ये काफ़ी डेंजर इस टाइम सिचुएशन बनी हुई है। और इसीलिए मतलब अब काफ़ी कुछ होना चाहिए वैसे हेल्थ केयर रिगार्डिंग। तो अब राजस्थान ने एक लॉन्च किया है सॉफ्टवेयर, है आईटी सॉफ्टवेयर है निदान, ठीक है, जो क्या करेगा, मॉनिटर करेगा डिसीज़ को। इसके अंदर 46 डिसीज़ है। तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि जो निदान सॉफ्टवेयर है वो कौन सी स्टेट ने गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, तो ये राजस्थान ने लॉन्च किया है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट में न्यूज़ चल रही है कि पहली बार कोई कमर्शियल फ्लाइट है वो हमारे इंडिया के नॉर्थ ईस्ट राज्य अरुणाचल प्रदेश में लैंड हुई है, और ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 42 सीटर ATR एयरक्राफ्ट ऑफ अलायंस है, जो कि लैंडेड हुई है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, जिसके अंदर CM PM खंडू आए थे, और साथ में 424 और अदर पैसेंजर्स आए थे। और आपने याद रखना है, ठीक है, कि ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। और अरुणाचल प्रदेश था, नहीं तो वैसे वो कटा हुआ था हमारे इंडिया से, मतलब एक हिसाब से कि वहाँ पर मतलब इतनी ज़्यादा की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर में अभी टॉपिक चला हुआ है। नेक्स्ट मेन पॉइंट है कि मान बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ है वो मिला है अभी ओल्गा ओल्गा टोकारजुक रुकजुक है, ठीक है, इनको मिला है मान बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ मिला है फॉर वर्क्स ऑफ ट्रांसलेशन फिक्शन के लिए। तो ये अब की बार जो करंट अफेयर में सबसे इंपॉर्टेंट, आज की करंट अफेयर में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि आपको ये क्वेश्चन, और ये आपको आने वाले एग्ज़ाम में गारंटीड 100% आपको ये क्वेश्चन दिखेगा, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि ओल्गा जो है उसने मान बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ जीता है, ठीक है। और जो लास्ट न्यूज़ है ये है कि गवर्नमेंट ने अभी 3 चेयरपर्सन्स अनाउंस किए हैं, ठीक है, अलग अलग बैंक्स के लिए। जैसे कि पंजाब एंड सिंध बैंक के लिए अपॉइंट किया गया है चरण सिंह को, उसके बाद देना बैंक के लिए अंजलि बंसल को, ऐसे ही सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लिए तपन राय को। तो आशा करता हूँ आपको मेरी आज की जो ये सेशन था छोटा सा, ये आपको ज़रूर पसंद आया होगा। और अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा, ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ और आपको आगे से अच्छे से और अच्छी वीडियोस बना के दे सकूँ। थैंक यू।